Hello my dear students. Today I will introduce you with your trade, that is saving technology, and coincidentally our first chapter is also trade introduction and its job prospects. I have already written it on the board. And basically आज आपको मेरे सब को पता होना चाहिए कि आपने सिविक टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया है तो ये जो आपका कोर्स है ये है आपका वन ईयर कोर्स और इस वन ईयर कोर्स में आपको किड्स लेडीज एंड गारमेंट्स तीनों सेक्शन की गारमेंट्स सिखाई जाती है और आपको बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्ट भी किया जाता है और दूसरी जो मेन बात है इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ट्रेड कोड आपका ट्रेड कोड है 247 ये आपकी कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपके इस कोर्स से रिलेटेड थी तो चलो अब हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं हमारे जो ट्रेड है सिविंग टेक्नोलॉजी हमारा सिलाई व्यवसाय तो आपने बहुत ही मशहूर कहावत सुनी होगी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है अगर हमें किसी चीज की जीवन में कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती तो हम उसके ऊपर आविष्कार भी नहीं करते कोई काम भी नहीं करते इसी तरह से हमारी सिलाई कला में भी कुछ ऐसा ही हुआ हमारा जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे आप सभी को पता है धीरे धीरे हमने ग्रोथ की डेवलपमेंट की प्रोग्रेस की करते करते आज हम इस आधुनिक युग में आ गए हैं इस तरह से हम देखें कि किस तरह से सिलाई कला ने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते हुए आज किस युग में किस तरह से पहुंची तो सबसे पहला अब हम मेन हेडिंग लेंगे सक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ सिविंग आर्ट हो उसमें हम एकदम से परफेक्शन पाना चाहें कभी नहीं पा सकते कहते हैं ना करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान रसरी अगर जाते सिर पर पड़त निशान उसी तरह से हमारा ये भी है ये जो हमारी सिलाई कला है सबसे पहले हमारा आया स्टोन एज पहले मैं सारे मेंशन कर दूंगी उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ उसके बाद आया हमारा एग्रीकल्चर एज फिफ्थ है गुप्त एज सिक्स्थ मुगल सेवन्थ है ब्रिटिश एज एट फाइनली हम जिस एज में हैं डेट इज कॉल्ड मॉडर्न एज बहुत ही अच्छा वर्ड है ना मॉडर्न हम सब अपने आप को कहला के बहुत अच्छा समझते हैं तो चलो हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं स्टोन एज से तो आप सभी ने हिस्ट्री में सुना होगा सिक्स क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं पाषाण काल तो ये वो काल है जब इंसान को सिलाई के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कुछ नहीं पता था अपने शरीर को अपनी नग्नता को छुपाने के लिए वो पेड़ पौधों के पत्तों का प्रयोग करता था ये वो समय था इसको हम कहते हैं स्टोन एज सेकंड हमारा आ गया एग्रीकल्चर एज ये इस युग में इंसान ने कपास के पौधे का आविष्कार कर लिया उसके जो रेशे हैं सूत उससे सूत तैयार करके कपड़ा बनाना शुरू कर दिया यहाँ से कपड़े का निर्माण होना शुरू हो गया तीसरा आया हमारा आयरन एज जिसे हम लोह युग कहते हैं इस युग को हमने सिलाई कला का आरंभ इस युग से माना जाता है आयरन एज से क्यों क्योंकि इस युग में इंसान ने इतनी तरक्की कर ली थी सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हुआ था लेकिन लोहे की सुइयों का प्रयोग लोहे के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था इंसान ने पहले युगों में क्या था स्टोन एज में एग्रीकल्चर एज में इंसान पत्थर के नुकीले औजारों का प्रयोग करता था खेती करने के लिए तो इस युग में आकर इंसान ने धीरे धीरे विकास करते हुए अपने आप को इतना विकसित कर लिया
कि उसको पता लग गया कि लोहे की एक सुई का आविष्कार किया और उससे कपड़े को सूत बनाना इसका एज में शुरू कर दिया था और उसने कपड़े का निर्माण करना इस युग में आरंभ कर दिया। इसके बाद आई आर्य युग वो युग है जिसे प्रगतिशील युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रगतिशील युग, इस युग में मानव ने सभ्यता का विकास कर लिया, आपस में मेलजोल बढ़ गया और एक दूसरे को देखकर नए नए कपड़े बनाना पहनना इन सब चीज़ों की अपनी अंदर से जागृति इंसान को आरंभ हो गई और इंसान प्रगति की लाइनों पर आगे चल पड़ा। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए हम अपनी सिलाई कला का जो कर रहे हैं वर्णन, उसमें हम आर्य युग प्रगतिशील युग के बाद अब आगे आ गया हमारा गुप्त युग। गुप्त युग ये वो युग है जब इंसान ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली थी इन युगों के मुकाबले। सबसे ज़्यादा तरक्की इस गुप्त युग में की और ये वो समय था जब आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, तो ये उस चंद्रगुप्त मौर्य के समय का काल है। इसे स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। इस युग को स्वर्ण युग पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो युग है जिसमें सिर्फ सिलाई ही नहीं जीवन के कला के हर क्षेत्र में इतनी वृद्धि हुई कि जितनी पहले के इन तीन चार युगों में नहीं हुई, उतनी उससे भी बढ़कर तरक्की इस गुप्त युग में हुई। इसके बाद आगे मुगल एज। अब ये मुगल एज वो वाला समय है जब मुगल भारत में आए। आपको पता है 1527 ईस्वी में मुगलों का भारत में आगमन हुआ। मुगलों ने भारत में आए और वो आए ईरान, इराक से होते हुए पंजाब में आकर बस गए और वो आए थे ठंडे प्रदेशों से। और जो हर किसी इंसान का पहनावा अलग अलग होता है, कोई यहाँ आज भी अगर हम खड़े हैं, एक पंजाबी है, एक हरियाणवी है, एक गुजराती है, सभी का पहनावा अलग अलग होगा, सभी के बोलने का ढंग अलग होगा। उसी तरह से जब मुगल भारत में आए तो उनका पहनावा भी अलग था। उसमें उनके चूड़ीदार पजामा, अलीगढ़ पजामा, ढींगरीगढ़ पजामा, बंद गले के कुर्ते और लेडीज़ बुर्का पहनती थी। यानी कि ये सब टाइट वस्त्र क्यों? क्योंकि वो ठंडे प्रदेशों से आए थे, इसलिए वो इन सब वस्त्रों में कंफर्टेबल थे। जब भारत में आए, भारत के लोगों को और ज़्यादा नई पोशाकों का पता चल गया। तो इस तरह से मुगल एज में विभिन्न प्रकार की, पहले तो पोशाकें गोल्डन एज में क्या पोशाकें बननी शुरू हो गई, स्त्रियों के और जेंट्स के जो वस्त्र हैं उनमें डिफरेंस आ गया, वो अलग वस्त्र पहनने शुरू कर दिए उन्होंने अलग। लेकिन इस युग में क्या हुआ, इनके बुर्कों से प्रभावित होकर पंजाब में सलवार सूट का प्रचलन हो गया और आज भी पंजाब की औरतें सलवार सूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती हैं। और साथ में उन्होंने बुर्के की जगह चुनरी का आरंभ कर दिया, चुनरी लेनी शुरू कर दी। अब उसके बाद आ गया ब्रिटिश एज। जब मुगल भारत में आए, उसके बाद उन्होंने देखा अंग्रेजों को क्या हुआ कि मुगल भारत में आए, उनका तो उद्योग बहुत ही अच्छा विकसित हो गया, उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। अंग्रेज किसी से पीछे थोड़ी रहे, वो आ गए इंडिया में। इंडिया में आके उन्होंने क्या किया, भारत पर राज करना जब चाहा तो उन्होंने देखा कि मुगलों का तो यहाँ बहुत बोलबाला है, उनका राज्य इतनी ईजिली स्थापित नहीं हो सकता। तो उन्होंने आके ये क्या किया, 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। इसकी स्थापना करने का क्या मतलब था, इन्होंने यहाँ पर आकर सरकार, अपनी सरकार बनानी चाहिए और सरकार बना के जो ऊंची पदवियों पर हायर अथॉरिटी थी वो इन्होंने अपने कैंडिडेट रखने, अपने अंग्रेजों को रखना शुरू कर दिया और उनके लिए, उनको सर्व करने के लिए जो लोअर अथॉरिटी थी, जो क्लर्क थे, क्लैरिकल, आजकल हम जिन्हें डी ग्रुप बोल देते हैं, तो उनमें इन्होंने इंडियंस को रखना शुरू कर दिया। हर इस तरह से जब वो आए उन्होंने अपने साथ क्या किया, अंग्रेजों की भी अपनी पोशाक थी, जिस तरह मुगल अपने साथ कुर्ता पजामा शेरवानी लेकर आए, इसी तरह अंग्रेज कोट पैंट शर्ट टाई निकर ये सब कपड़े अंग्रेजों के आने से भारत में प्रचलित हो गए। तो इस तरह से अब अंग्रेजों के आने से भी चाहे वो अपना अलग पहनावा लाए, वो अलग लाए, लेकिन इन सब पहनावों का प्रभाव इंडिया में रहने वाले व्यक्तियों पर पड़ा और ये उन्होंने इन सबको ग्रैब किया और उनकी पोशाकों पर भी इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। इस तरह से सिलाई कला धीरे धीरे विकसित होती हुई इतनी विकसित हो गई कि कोट पैंट शर्ट टाई इन सभी चीज़ों का भारत में प्रचलन होना शुरू हो गया। फाइनली आज हम बड़े खुश होकर बोलते हैं आई एम मॉडर्न। सो मॉडर्न एज, हम मॉडर्न एज में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी को पता है हमारा भारत कब आजाद हुआ था,
15 अगस्त 1947, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947, और उसके बाद आज कोई भी इस तरह की कोई पोशाक नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें तरक्की ना हुई हो, और हमारा सिलाई का क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी भी तरह से आज कोई भी कमी नहीं कही जा सकती। किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन है, कोई भी पोशाक है, हम हर तरह की डिज़ाइन कर सकते हैं, पोशाक बना सकते हैं। तो इस तरह से बेटा ये सब है सक्सेसिव डेवलपमेंट, किस तरह से हमारा सिलिंग आर्ट स्टेप बाई स्टेप करते हुए आज हम इस युग में पहुँचे हैं। तो ये थी हमारी सक्सेसिव डेवलपमेंट। अब हम इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो